स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो कैसा है आप लोग फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी M30 में फ्रेंड्स जो आपका कीबोर्ड में जो लैग प्रॉब्लम होता है, आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो से होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। फ्रेंड्स, तो आप एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है, सेटिंग अपना ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस होगा आपके सेटिंग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन तो करना है, जनरल मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे देखना है सैमसंग कीबोर्ड सेटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करते ही आपको नीचे स्क्रॉल करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं रिसेट टू डिफॉल्ट सेटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और फर्स्ट इस फर्स्ट वाले को क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपको जो रिसेट जो आपके कीबोर्ड में जो जो प्रॉब्लम है, जो लैग होता है आपका कीबोर्ड, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहले इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से रिसेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो लैग प्रॉब्लम होगा वो आप कीबोर्ड में, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो होते हैं हमारे वीडियो से बात। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।